स्वाद के किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बड़ियों की सब्जी, जिसको हमने घर पे ही बड़ियों को तैयार किया है। मैं एक भगोनी लेकर उसमें गर्म पानी करूँगी और जो मैंने बड़ियाँ ली हैं इसको हम पानी में धीमी आंच में एक उबाल में पकाकर नीचे उतार देंगे, ताकि हमारी बड़ियाँ अच्छी तरह से एक उबाल में ही पक जाए। ज़्यादा पकाने पर ये बड़ियाँ गल जाएगी और हमारी सब्जी अच्छे से तैयार नहीं होगी। मेरे पास लहसुन है, जिसको मैंने बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। इसमें हम दही डालेंगे। आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो ज़्यादा दही डालिए। इसमें हम डालेंगे अभी लाल मिर्ची पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची आपको तीखा चाहिए तो और भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, और अच्छे से इसको हम दही के साथ मिक्स कर लेंगे। बड़ियों की सब्जी बहुत अच्छी बनती है और टेस्टी भी बनती है। एक उबाल में हमारी बड़ियां एकदम तैयार हो गई है, देखिए। ज़्यादा अगर आप उबालेंगे तो ये गल जाएगी। अब हम इसको अलग निकाल देंगे, पानी को अलग और बड़ियों को अलग कर लेंगे और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, जिसमें हम तेल गरम करेंगे सब्जी बनाने के लिए। इस सब्जी में तेल का ज़्यादा यूज नहीं होता है। अब हम जीरे का तड़का लगाएंगे। ये देखिए, हमने पानी अलग कर दिया है। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया। इसमें हमने जो दही के साथ मसाला बनाया है वो अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। जब हम दही का मसाला डालें तो इसको अच्छे से चम्मच से हिलाते रहेंगे, ताकि हमारा दही मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, फटे नहीं। जब तक अच्छे से दही पक ना जाए, तब तक चम्मच से अच्छे से हिलाते रहेंगे। आप इस सब्जी को एक बार बना के अच्छे से ट्राई करें और खा के भी ट्राई करें, आपको ये सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। बढ़िया मार्केट में भी मिलती हैं और घर पे भी बनाते हैं। अब हम मसाले में डालेंगे कटी हुई मिर्ची और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए, हमारा अच्छे से मसाला तैयार हो गया है। जो मैंने दही डाला था वो भी एकदम गाढ़ा हो गया और इसका पानी एकदम सोख गया है। 5 मिनट के बाद हमारा मसाला एकदम रेडी है। जो मैंने बड़ियों का पानी निकाला है उसको हम इसमें डाल देंगे। उसका भी यूज हो सकता है, वो हम फेंकेंगे नहीं। देखिए, एकदम अच्छे से उबाल आ गया है। जब अच्छे से ये जो ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं उसको अच्छे से पकाएंगे, ताकि वो कच्चा नहीं रहेगा और हमारी सब्जी एकदम टेस्टी और यम्मी यम्मी बनेगी। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी उबली हुई बड़ी और इसको भी हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये गल जाएगी। हमारी बड़ी पहले से भी तैयार है। इसको हम एक उबाल के साथ हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी अच्छे से। आप बनाइए और खाइए, ट्राई कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, हमारी सब्जी एकदम बनकर तैयार है खाने के लिए, चपाती और पराठे के साथ। आप बनाकर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बढ़िया मार्केट में भी बहुत मिलती हैं और हम इसको घर पे भी बना सकते हैं। धनिया को सजाकर इस सब्जी का लुक और भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है धनिया से इस सब्जी का।
आपके खाने के लिए हमारी बड़ियों की टेस्टी और यम्मी यम्मी सब्जी तैयार है। खाइए और हमें बताइए।